नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लिपकार्ट पर अपना एक न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि अपनी एक आईडी कैसे बना सकते हैं जिससे कि हम फ्लिपकार्ट का यूज कर पाएँ और उससे शॉपिंग कर पाएँ। तो यहाँ पर एड्रेस डालना, मोबाइल नंबर फिल करना और ईमेल आईडी अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पर जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम फ्लिपकार्ट पर एक न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। क्योंकि फ्लिपकार्ट ऐप पहले से इंस्टॉल होकर नहीं आता है हमारे मोबाइलों पर, तो हम इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर टाइप करेंगे फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्लिपकार्ट, तो ऊपर ही आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल ऐप खुलकर आ जाएगा, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए फ्लिपकार्ट इंस्टॉल हो चुका है, हम सिंपल इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पहली बार फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आता है। हम यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम इंग्लिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज आया मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो हम यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। वैसे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है मोबाइल नंबर को, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कुछ डालना चाहें तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम मोबाइल नंबर डाल देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेच कर लेगा। तो देखिए ओटीपी डल गया और ये अपने आप ही ओपन हो गया। तो हम यहाँ पर जाएंगे थ्री डॉट में अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, ये है नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अकाउंट खुलकर नज़र आ जाएगा और यहाँ पर फुल नेम डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से अपना फुल नेम डाल देंगे और यहाँ नीचे की तरफ अपनी ईमेल आईडी एक डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे और सिंपल सबमिट कर देंगे। उससे पहले अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो सेट पासवर्ड पर क्लिक करके एक पासवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमको ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन है माई एड्रेस, तो इस पर क्लिक करेंगे एड एन एड्रेस। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस पूरा फिल करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। लोकेशन के लिए पूछ रहा है तो हम ओके कर देंगे, यानी कि लोकेशन ऑन कर देंगे तो हमारा ये कुछ एड्रेस अपने आप ही अपडेट कर लेगा, उठा लेगा। तो देखिए पिन कोड के जरिए इसने हमारा एड्रेस कुछ उठा लिया, बाकी का हम खुद भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर मांग रहा है तो वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए एड्रेस टाइप पूछ रहा है, होम एड्रेस या ऑफिस एड्रेस, तो हमारा होम एड्रेस है, हम होम एड्रेस क्लिक कर देंगे। अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो जैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम डाल देंगे फिर से और यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है, तो सिंपल सेव कर देंगे। तो हमारा एड्रेस भी यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि आईडी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगली वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कैसे करते हैं, यानी कि उसकी बेस्ट डील कैसे देखते हैं और कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट कैसे मंगाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो पर दूंगा। तो अगर आप नए यूजर हैं, यानी कि पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।